मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का जो हमारा ब्लॉग होगा वो बक्सर तक पहुँचने वाला है। कि जो हमारी जर्नी होगी वो आनंद विहार से लेकर बक्सर तक की जर्नी होने वाली है। वो हमारा कोच नंबर है S9। ट्रेन हमारी प्लेटफार्म नंबर 2 पे आएगी और ट्रेन का नाम है बाबा बैजनाथ धाम एक्सप्रेस। और इसका मतलब 12:45 पर यहाँ से खुल जाएगी। और इसका बक्सर पहुँचने का टाइम है 11:10। तो चलिए चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पे। तो ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। डेढ़ घंटे लेट हो चुके हैं ट्रेन। और आओ चलो अब मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। देखो कौन है ये, कौन है ये है सुटकी। इसने अपना नाम पूजा बताया था बट आप इसे सुटकी बोलना। क्या बोलना? सुटकी बोलना। बोलो किधर जा रहे लाए? हम दिल्ली बक्सर जा रहे हैं। जा रही है बक्सर? वहाँ क्या है? कुछ नहीं है, घूमने जा रहे हैं। और क्या? अच्छा तो बता दिल्ली कैसा लगा? बहुत अच्छा। और दिल्ली में मतलब क्या क्या घूमने, क्या क्या अच्छा लगा तेरे को वो बता। लोटस टेम्पल, फिर से लाल किला, और फिर से इंडिया गेट, और फिर से कालिका मंदिर, और फिर से बहुत भी घूमे थे हम लोग। बहुत मॉल वो क्या होता है? मॉल का नाम है ये। मॉल आपने देखा है कहीं? देखो बॉल का नाम मिला गई। बेस्ती कराओ चढ़ा एक का। एक कौन सी भाषा बोल रही है? देखो ये ग्रैंड वेनिस मॉल में गई थी। मतलब ये बहुत ज्यादा
अजीब सी स्मेल आ रही है लगता है, मतलब किसी ने चैन खींच दिया है। और इसका फाइन लगेगा 1000 से बेसी है ना? बेसी हाँ फाइन तो लगेगा, 2000-5000 लग गया तो अगर पकड़ा गया तो फाइन लगेगा, नहीं पकड़ा गया तो भाग जाएगा। बट नहीं खींचना चाहिए था, और वैसे भी ट्रेन ना 1.5 घंटे लेट हो चुकी है पहले से ही। और मैं भी देखो जितना लेट होगी उतना हमारे लिए सही है, बिकॉज वहाँ पे पता है कितने बजे का टाइम था, वहाँ पे 11 बजे का टाइम है, और 11 बजे ही ना ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, तो जितना लेट हो उतना हमारे लिए ठीक है। अभी ट्रेन 1 घंटे 32 मिनट लेट आई है, और हमें जो करना है बक्सर में करना है, और इसके बाद का जो स्टॉप है वो स्टॉप हमारा है मुगलसराय, और फिर जो उसके बाद वाला मुगलसराय के बाद वाला बक्सर है। तो वहाँ पे इसका जाने का टाइम था 11:13, बट 1 घंटा 30 मिनट लेट हो चुकी है। ट्रेन का प्रयागराज से खुलने का टाइम था 5 मिनट, मतलब 5 मिनट का स्टॉप था, फिर उसका ट्रेन खुल जाती, बट ट्रेन यहाँ पे 9:22 का आई है, और अभी 9:30 हो चुका है, तो अब तक यहाँ से खुली नहीं है। तो जो फालतू के एक्स्ट्रा मिनट जो यहाँ पे रुक रही है, और ये 2-3 मिनट भी आप ऐड कर लो लेट में, बिकॉज लेट ही करेंगे ये। तो चलो अभी टाइम हो रहा है 9:34, और ट्रेन खुल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से, और ट्रेन मतलब 1.5 घंटा लेट हो चुकी है।
गर्ल्स राय आ चुकी है, अभी भी ट्रेन 1.5 घंटे ही लेट है। आसपास के मौसम से लग रहा है मतलब बारिश हुई है इधर, बिकॉज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ट्रेन अपनी बक्सर आ चुकी है और यहाँ पे ट्रेन जो आई थी मतलब 1:05 पे आई थी, और ट्रेन यहाँ पे भी 1.5 घंटा लेट आई थी। और ट्रेन वैसे ठीक है, बस लेट हो जाती है कभी बार, आज मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं हुई है। फिर अब हम बक्सर पहुँच चुके हैं, फिर जर्नी को ही एंड करते हैं, फिर आपको मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, दूसरे किसी ब्लॉग में और दूसरे किसी शहर में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।